नमस्कार। देश दुनिया के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में आयोजित सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम में 59 जोड़ों की शादी कराई गई। इस मौके पर प्रशासन के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह और सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज डुमरियागंज में उत्सव का माहौल है। इस कार्यक्रम में प्रशासन के अलावा स्थानीय लोगों ने भी सहयोग कर कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज पाकिस्तान बौखला गया है और पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 59 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ जीने मरने की कसम खाई। 59 जोड़े हिंदू और मुसलमान मिलाकर के आज डुमरियागंज में शादी हुई है। पिछले 18 नवंबर को 45 जोड़े हुए थे और उस 18 नवंबर को भी डुमरियागंज में शादी के अवसर पर अति उत्साह था। उससे ज़्यादा उत्साह आज डुमरियागंज कस्बे के लोगों में दिखाई दिया। पिछले बार डुमरियागंज के 9 व्यापारियों ने वर वधू को उपहार दिया था। इस बार लगभग 30 व्यापारी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उपहार में कुछ न कुछ सामान देने का काम किया है और उपहार एक माध्यम होता आशीर्वाद का। डुमरियागंज में आज पूरा उत्सव का रूप दिखाई दे रहा है। पूरा डुमरियागंज को ये लग रहा कस्बे को कि हर व्यक्ति के घर में आज शादी का वातावरण है। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने पहले 20,000 रुपया रकम किया था, अब उन्होंने 35,000 कन्या के खाते में 10,000 की सामग्री जिसमें बहुत सारे सामान और 6,000 रुपया सामूहिक विवाह पे खर्चा। लेकिन डुमरियागंज में यहाँ का प्रशासन, पुलिस, नगर पंचायत और जन सामान्य ने मिल करके इस उत्सव को मनाने का काम किया। इसलिए कि पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। जिनेवा संधि हुई है, वो पूरी दुनिया के युद्ध में संधि मानी जाती है। उस जिनेवा संधि का भी उल्लंघन कर रहे हैं। चाहे अभिनंदन जो हमारे पायलट मिला है उसको सक्षम सुरक्षित, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आज उनको यूनाइटेड नेशंस पे अमेरिका, रूस, फ्रांस के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पे कि जैसे मोहम्मद के, अजहर मसूद के पाबंदी किया जाए, उनके पे बैन लगाया जाए, उनके संगठन पे उनकी संपत्तियां कुर्क की जाए, ग्लोबल ट्रेबल्स को पे कब्जा किया जाए, तो पाकिस्तान सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो न करके जनेवा संधि का उल्लंघन कर रहा है तो निश्चित तौर से कोई शर्तें नहीं लगानी चाहिए। तो भारत उनके देश में घुस करके उनको निस्नाबूद करने की क्षमता रखता है। और जिस तरह से आपने देखा कि कम से कम 400 आतंकवादियों को लॉन्चिंग पैड को ख़त्म किया गया, निस्नाबूद किया गया, जैसे मोहम्मद का कंट्रोल रूम, तो मुझे लगता अब भी पाकिस्तान की आँख खुलनी चाहिए, नहीं पाकिस्तान निश्चित तौर से आने वाले दिनों में नामो निशान मिट जाएगा।